हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक तंवर और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक फोर्थ। तो बुक फोर्थ शुरू होती है एक बहुत ही पैशनेट विश के साथ। पैशनेट का अर्थ होता है जज्बाती। पैशनेट विश के साथ ये बुक शुरू होती है जहां पर कुछ हेवनली प्रॉफिट हैं, हेवनली यानी स्वर्ग से संबंधित और प्रॉफिट यानी मसीहा, और इन्हें आप गार्जियन एंजल भी कह सकते हैं, ऐसे देवदूत जो रक्षा करते हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं हमारे पहले पेरेंट्स को। हमारे पहले पेरेंट्स कौन हैं? एडम और ईव। और ये किस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कनिंगनेस है और टेम्पटेशन है सैटन की। कनिंग का अर्थ होता है चालाक, और टेम्पटेशन, टेम्प्ट करने का मतलब होता है आकर्षित करना, कि तुम्हें चालाकी से आकर्षित करेगा सैटन। तो तुम एडम और ईव सावधान रहना। हैड इट बीन डन दे वुड नॉट हैव फॉलन इनटू द स्नेयर ऑफ सैटन। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शैतान के स्नेयर में यानी चंगुल में मत फंसना, उसके जाल में मत फंसना। एंड ऑल द मिजरीज एंड फियर ऑफ डेथ। अगर तुम फंसे तो तुम्हें मिलेगी बहुत ज़्यादा मिजरी। मिजरी का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, परेशानियाँ मिलेंगी तुम्हें, और तुम्हें मौत मिलेगी। हैड बीन स्पेयर्ड टू मैनकाइंड, और जो पूरी मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, वो भी इससे बच नहीं पाएगी। स्पेयर का मतलब होता है बचना। इन दैट केस, इस केस में सैटन को सक्सेस नहीं मिलेगी तुम्हें ट्रैप करने के लिए। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, और वो वायलेट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। वायलेट का मतलब होता है नियम तोड़ना, VIOLATE। वो नियम नहीं तोड़ पाएगा, भगवान की इच्छा के खिलाफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ये तो एक सिन होगा। सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। Even though God knew that Saturn was trying to tempt Eve, भगवान जानते थे कि Saturn कोशिश करेगा Eve को, जो लड़की है, उसको आकर्षित करेगा और वो स्वाद लेना चाहेगी forbidden fruit का, उस फल का, उस एप्पल का जिसे खाना मना है। तब भी भगवान ने उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी कि तुम Saturn आ रहा है, Saturn आ रहा है। भगवान ने कोई वार्निंग उन्हें नहीं दी। और वास्तव में, इंडीड, इंडीड यानी वास्तव में, सैटन उनके पास आता है, इनफ्लेम्ड देम, इनफ्लेम्ड, वो भरा हुआ है, उसके अंदर आग जल रही है। इनफ्लेम का मतलब होता है जलना, वो जल रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त उसके अंदर डिज़ायर है, इच्छा है रिवेंज लेने की। और ये जो वेंजियंस है, वेंजियंस का अर्थ भी होता है बदला, VENGEANCE, वो बदला लेना चाहता है भगवान से। हमारे जो इनोसेंट, मासूम, बेचारे, जो अनुभव भी नहीं है कोई, ऐसे जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, यानी एडम और ईव हैं, वो उनसे बदला लेना चाहता है। सैटर्न डिड नॉट ऑफकोर्स फील हैप्पी इन अंडरटेकिंग दिस डेंजरस अंडरटेकिंग। सैटर्न खुश तो नहीं है ऐसा करके, पर फिर भी वो ऐसा कर रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन है, उसका संकल्प है कि उसको डिफीट करना है, हराना है इस डिवाइन स्कीम को। डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य। ये जो भगवान की दिव्य इच्छा है कि वो एक धरती बसाना चाहते हैं इंसानों की, इसको वो ख़राब करना चाहता है। उसके दिल में, उसके हार्ट में हॉरर है और डाउट है, उसके दिल में भय है और शंका है। किसके दिल में? शैतान के दिल में, कि वो जो चाहता है ये सब चीज़ें उसके साथ हेल में भी आई हैं। हमें पता है कि ईश्वर ने उसको हेल में भेज दिया, पर ये जो उसके बदले की आग है, ये अभी भी उसके दिल में है। इन्हीं सब वॉयलेंट फीलिंग्स के साथ, इन्हीं सब जो ये जो फीलिंग्स हैं, जो हिंसात्मक फीलिंग्स हैं उसके दिल में, इन्हीं के साथ वो आ जाता है आउटर फेंसिंग पे। ये जो आउटर फेंसिंग है, जो बाहर की चार दीवारी है पैराडाइज की, स्वर्ग की, जहाँ पर ड्वेल करते हैं। ड्वेल करने का मतलब होता है रहना, निवास करना।
वहाँ पर निवास करते हैं एडम और ईव, और उन बेचारों को कोई वार्निंग नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो आगे सैटर्न देखता है एक ग्लिटरिंग सन, एक चमकता हुआ सूरज। ग्लिटर का अर्थ होता है चमकना। वो देखता है एक चमकता हुआ सूरज जो कि चमक रहा है इस नई दुनिया के ऊपर। ये एक न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड है। उसे याद आता है कि एक बार कि वो भी उतना ही ग्रैंड था, सैटर्न खुद इतना महान था। ग्रैंड यानी वैभव, बड़ा, विशाल। वो खुद सूरज की तरह विशाल था और स्वर्ग में एक हायर प्लेस पे बैठता था, भगवान के पास में एक ऊंची जगह पे वो बैठा करता था। सैटर्न बहुत ज़्यादा डीपली दुखी हो गया है अपनी इस प्रेजेंट पोजीशन की वजह से। वो तुरंत ही रिवोल्ट करने के बारे में सोचता है। ही रिवोल्टेड, उसने रिवोल्ट किया था, उसने क्रांति की थी भगवान के खिलाफ। एनॉय होने का मतलब होता है तंग होना, चिढ़ना, गुस्सा करना, परेशान होना, ऐसा वो सोचता है। भगवान ने उसके साथ में कोई इनजस्टिस नहीं किया, ईश्वर ने तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि भगवान ने तो उसे सम्मान दिया, फेम दिया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करी। बट ये सारी अच्छाइयां भगवान की उन्हीं के लिए बुरी साबित हुई, उन्हीं के लिए इल साबित हुई। वो तो प्लेस्ड था भगवान के बिल्कुल पास में, वो भगवान के बिल्कुल पास में बैठता था, पर उसका तो एस्पिरेशन था, उसकी तो इच्छा थी कि वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे भगवान को हरा कर। पर आज क्या हुआ? आज तो भगवान के खिलाफ जाने की वजह से उसका ये हश्र हुआ है, राइट? वो इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता कि उसका फॉल क्यों हुआ, क्यों गिरा वो ऊपर से, स्वर्ग से। वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। वो खुद ही था जो अपनी डेस्टिनी का बिल्डर बना है, अपने भाग्य का निर्माता बना है। उसके खुद के कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है उसके साथ। आज वो हेल से, नर्क से एस्केप नहीं हो सकता, बच नहीं सकता। चाहे वो सिर्फ तभी बच सकता है अगर वो रिपेंटेंस करे, यानी अगर वो पश्चाताप करे। सिर्फ पश्चाताप करके ही ईश्वर उसे माफ़ करेंगे, पर वो ऐसा नहीं करेगा। वो कभी सबमिशन नहीं करेगा, वो कभी झुकेगा नहीं ईश्वर के सामने, वो कभी हार नहीं मानेगा। उसके साथ ही जो उसके साथ गिरे, फैल हुए, वो भी नहीं हार मानेंगे। वे तो उसकी पूजा करते हैं, यानी शैतान की। जो उसके साथी हैं वो तो उसे वर्शिप करते हैं एक राजा की तरह, और वो उनके सामने कैसे बड़ा सा होकर खड़ा है नरक में। वो नहीं जानते कि इस प्राइड, इस गर्व और इस एम्बिशन की उसको क्या कीमत चुकानी पड़ी है। अभी भी उसके अंदर बहुत जेलसी है, नफरत है, और एनिमिटी का मतलब होता है दुश्मनी की भावना है उसके अंदर। ऐसी ऐसी भावनाएँ हैं उसके दिल में, और अब पीस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, शांति नहीं मिल सकती। कोई होप नहीं है सेल्वेशन की। सेल्वेशन का अर्थ होता है मोक्ष, कि ईश्वर उसको माफ़ कर दे और अपने पास बुला ले। ऐसी उसको कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक ही कोर्स है, एक ही तरीका उसके लिए बचा है कि वो अच्छाई के पाथ को छोड़ दे और इविल और सिन, बुराई और पाप के पाथ पर आगे बढ़े। इसीलिए अब उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वो चाहता है कि वो जो इंसान है, जो आदमी है जिसे भगवान ने बनाया है, उसे वो धोखा दे और उसको अपने रास्ते से भटकाए, ताकि ये जो न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड है ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहले सैटर्न आया यूरियल के सामने, भेष बदल कर, डिस्गाइज करके, एक जवान एंजल बनकर। यूरियल धोखा खा गया, उसकी उसको पहचान नहीं पाया, और उसने उसको बता दिया कि कहाँ है रास्ता नई दुनिया का। बट जल्दी जब यूरियल ने उसे ध्यान से देखा तो उसे उसके अंदर गुस्सा, जलन, निराशा जैसे भाव दिखे, और उसे ये समझ में आ गया कि ये पक्का कोई ईविल स्पिरिट है, कोई ईविल एंजल है जिसने उसे धोखा दिया है, और उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया। आगे जाके उसने देखा कि कैसे ये फिगर बदल रहा है, जैसे कि एसायरियन माउंटेन, और वो इस वजह से यूरियल बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया।
अब सैटर्न बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया है ईडन गार्डन के। ईडन गार्डन वो जगह है जहां पे एडम और ईव रहते हैं। ये एक ब्यूटीफुल ग्रीन एनक्लोजर है, एनक्लोजर यानी कि एक बंद जगह है जहां पर कि ये लोग रहते हैं। ये पैराडाइज जैसा है, द एबोर्ड ऑफ अवर ओरिजिनल पेरेंट्स। एबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, तो जैसे ड्वेल वर्ड होता है वैसा का वैसा एक वर्ड होता है एबोर्ड, इसका मतलब होता है निवास। तो ये जगह है जहां पे हमारे ओरिजिनल पेरेंट्स रहते हैं। तो जो पैराडाइज है वो सिचुएटेड है, जो स्वर्ग है वो बना हुआ है ऑन द टॉप ऑफ अ ग्रीन माउंट, एक पहाड़ है हरे रंग का जिसके ऊपर ये बना हुआ है, जहाँ पे हर तरफ खूब सारे उगे हुए हैं जंगली पौधे, पेड़ और कांटे भरी थिकेट्स, कांटे भरे झाड़ियाँ, जो कि अलाउ नहीं करती किसी भी इंट्रूडर को। इंट्रूडर का मतलब होता है कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई घुसपैठिया, इंट्रूडर को अलाउ नहीं करती कि वो अंदर आ पाए। हायर बॉर्डर पर वहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर लंबे लंबे टॉल सिडार के पेड़ उगे हुए हैं, पाइन के पेड़ उगे हुए हैं और फिर के पेड़ उगे हुए हैं। ये अलग अलग पेड़ों के नाम हैं, राइट। यहाँ पे ये एक के बाद एक टायर में उगे हुए हैं। टायर मतलब गुच्छा, कि पहले एक पेड़ों का गुच्छा है, फिर दूसरा पेड़ों का गुच्छा है, तीसरा टायर है, TIER। और जो कि बहुत ही सुंदर पेस्टोरल व्यू दे रहे हैं। पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रामीण, एक गांव का सा माहौल है वहां पर। पेस्टोरल वर्ड काफी आता है इंग्लिश लिटरेचर में, पेस्टोरल व्यू ये दे रहे हैं। और उनके ऊपर एक वेजिटेबल वॉल है, एक वहां पे खूब सारी सब्जियां उगी हुई हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत हरा भरा दृश्य है एडम और ईव के सामने। और इनसे भी ऊंचे वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, सभी टाइप के पेड़ हैं जिनके ऊपर सबसे बेस्ट काइंड के फ्रूट्स और फ्लावर्स लगते हैं। ये सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स ऐसे लगते हैं जैसे सुनहरे हों, गोल्डन हों, जब ये सूरज की रोशनी में चमकते हैं। हल्की हल्की माइल्ड हुमिड यानी नमी भरी रेज निकलती हैं सूरज में से, और वो एक परपैचुअल, परपैचुअल मतलब हमेशा बने रहने वाला, जो परपैचुअल होता है PERPETUAL, एक हमेशा बने रहने वाला रेनबो वहाँ पे दिखता है। एक इंद्रधनुष वहाँ पर रहता है जो पूरे स्पॉट को सुंदर दिखाता है। जो एयर है इस जगह की, जो हवा है वो इतनी प्योर है, इतनी स्वीट है और इतना रिफ्रेश करने वाली है कि ये डिस्पेल कर देती है, दूर हटा देती है सारी उदासी को। तो डिस्पेल का क्या अर्थ होता है? दूर हटाना। यहाँ पे जेंटल गेल्स हैं, गेल का अर्थ होता है हवा का झोंका, जैसे हवा चलती है हल्की हल्की, ऐसी हवाएं यहाँ पे चलती रहती हैं जिसमें स्वीट फ्रेग्रेंस आती है। फ्रेग्रेंस का अर्थ होता है खुशबू, यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इनफैक्ट ये जो पूरा स्पॉट है ये बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है, खुशबूदार है, जैसे कि अरेबिया, अरब के जो शोर हैं। शोर का अर्थ क्या होता है? किनारे, सी शोर होता है ना जैसे, और साउथ अफ्रीका के किनारे हैं जहाँ से जब मैराइनर्स गुजरते हैं, जो नाविक हैं वो जब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें जैसी खुशबू आती है वैसी खुशबू है यहाँ पर। और जैसे जब वो गुजरते हैं केप ऑफ गुड होप नाम की जगह के आगे से, तब जैसी खुशबू आती है। यहाँ पर जो सैटर्न है वो वंडर कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है उसको कि क्या ब्यूटी है इस स्पॉट की। अब सैटर्न खड़ा है बॉर्डर पे एक छोटी सी पहाड़ी के, जो पैराडाइज की एक तरफ है। ये जो हिलॉक है यानी पहाड़ी, ये जो हिलॉक है ये इतना ज़्यादा यहाँ पे पेड़ हैं, प्लांट्स हैं और कांटेदार झाड़ियाँ हैं और क्रीपर्स, क्रीपर्स का अर्थ होता है बेल। यहाँ पे इतनी सारी बेल हैं कि कोई आदमी या कोई बीस्ट, बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, कोई आदमी या जंगली जानवर इसको पास कर ही नहीं सकता। तो सैटर्न है जो जंप करके चला जाता है इस वॉल के ऊपर से, जैसे कि कोई स्टेल्थी वुल्फ जंप कर रहा हो। वुल्फ का अर्थ होता है भेड़िया, जैसे चोरी छुपे कोई भेड़िया जंप कर रहा हो शीप शेल्टर में जहाँ पर भेड़े रहती हैं, जैसे उन पे कूदकर वुल्फ उन्हें खाने के लिए कूद के अंदर जाता है, बिल्कुल वैसे ही सैटर्न भी कूद कर अंदर जाता है। अब वो जाकर बैठ जाता है ट्री ऑफ लाइफ पर।
तो यहाँ पर अंदर दो बड़े पेड़ हैं, एक है ट्री ऑफ लाइफ और एक है ट्री ऑफ नॉलेज। और अब वो ट्री ऑफ लाइफ पर बैठकर अपना रूप बदल लेता है और एक समुद्री चिड़िया का रूप ले लेता है, एक सी बर्ड का रूप ले लेता है। जब वो ट्री ऑफ लाइफ पे बैठा होता है तो वो प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे जो मैनकाइंड है उसकी डेथ लाई जाए, कैसे इविल स्पिरिट्स को क्या काम करना चाहिए, कैसे तरीके अपनाने चाहिए कि ये दुनिया तबाह हो जाए, ये दुनिया बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पर सैटर्न देख रहा है कि बहुत ही सुपर्ब ब्यूटी है पैराडाइज की, यहाँ पर एक गार्डन है जिसमें हर तरफ प्रकृति की दौलत है, वेल्थ है नेचर की। ये पृथ्वी का एक स्वर्ग है, एक हेवन है पृथ्वी का। सारे पेड़ बहुत ही नोबलेस्ट जो काइंड के पेड़ होते हैं, सबसे अच्छे अच्छे पेड़ वो यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ पे हर तरफ बहुत अच्छी अच्छा सीन है, बहुत अच्छा साइट है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और इन्हीं सब के बीच में है ट्री ऑफ लाइफ। ये सबसे ऊंचा पेड़ है, सबसे टॉलेस्ट पेड़ है, जिसके ऊपर गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए हैं, एकदम पके हुए, राइप यानी एकदम पके हुए गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए हैं। और इसी के पास में एक तरफ है ट्री ऑफ नॉलेज, जिसका फ्रूट मौत लाएगा इंसानियत के लिए, मैनकाइंड के लिए। सदर्न साइड में दक्षिणी तरफ एक बड़ी सी नदी है जो बिल्कुल सीधी बहती है, थिकली ग्रोन बॉटम ऑफ द माउंटेन, जो थिकली ग्रोन। तो यहाँ पर एक नदी है जो बड़ी सी नदी है जो सीधी सीधी बहती है, और इस नदी का जो पानी है वो ऐसे चलता है जैसे कि कोई बुलेट निकल रही हो तेजी से, ऐसा लगता है। अब ये जो नदी है ये आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और छोटी छोटी स्ट्रीम बनाती है। स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी। तो ये छोटी नदियाँ बनाती हैं जो आगे जाकर अंतर प्रवाह नदियाँ, ऐसा हम हिंदी में इनको कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं और ये वापस छोटी छोटी नदियाँ जाकर चार बड़ी नदियों में, प्रिंसिपल रिवर्स के अंदर जुड़ जाती है, जो कि आगे जाकर बहती है धरती के ऊपर। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर ऐसा दृश्य दिखाया गया है जहाँ पे नदियाँ हैं और बहुत ही मीठे मीठे पेड़ हैं जिन पर बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट बियर करते हैं, जो बियर का अर्थ होता है मतलब वो अपने अंदर रखते हैं ऐसे फ्रूट्स। और कई ग्रोव्स हैं, ग्रोव्स का अर्थ भी होता है पेड़ों के झुंड हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि बर्ड्स और बटरफ्लाइज बहुत अच्छा अच्छा म्यूज़िक देती हैं। तो यहाँ पर सैटर्न देख रहा है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को और उससे, उसकी ब्यूटी से उसको डिलाइट हो रहा है और उसका दिल भर रहा है दुख से, ग्रीफ से और जेलसी से। उसके मन में खुशी नहीं है, उसके मन में दुख भर रहा है, उसके मन में जेलसी की भावना भर रही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। यहाँ पे सभी प्रकार के लिविंग क्रिएचर्स हैं, पर उनमें, उन सभी जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे प्यारे हैं एडम और ईव। ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधे खड़े हैं और टॉल हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे खुद इनके बनाने वाले, जो वैभवशाली महानतम जो इनके मेकर हैं, इनको बनाने वाले हैं, उन्हीं की ये प्रतिकृति दिखते हैं। ये खुद ईश्वर जैसे ही दिखते हैं। ये बिल्कुल प्योर नेकेड ग्लोरी में है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये नग्न अवस्था में है, इन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, बट इनका वैभव बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर हैं। और ये ऐसे लग रहे हैं कि ये इस पैराडाइज के लॉर्ड्स हैं, इनके मालिक हैं, इनके ईश्वर हैं। इन चेहरों के ऊपर आप देख सकते हैं कि सच्चाई है, ट्रुथ है, विजडम है, बुद्धिमता है, शुद्धता है, प्योरिटी है और फेयरनेस है। ये एकदम साफ और गोरे हैं और इनके पास है असली अथॉरिटी और पावर और सारे मोरल वर्च्यूज़। मोरल यानी नैतिक और वर्च्यू यानी गुण, इनके पास सारे गुण हैं, सारी नैतिकता है। बट एडम और ईव इक्वल नहीं है, इनके अंदर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग प्रकार का करेज है। जैसे यदि आदमी की बात करें, मैन की बात करें एडम की, तो उसमें पास बहादुरी है, और जो औरत है ईव है वो सॉफ्ट है, उसके अंदर ग्रेस है, सौम्यता है, वो ईश्वर के सेवक हैं। जो आदमी है वो ईश्वर का सर्वेंट है और जो औरत है वो उस आदमी की सर्वेंट है। उनका एक बहुत अच्छा बड़ा सा मस्तक है, उनका फोरहेड बहुत अच्छा बड़ा है और उनकी जो आंखें हैं वो चमकने वाली हैं, शाइनिंग है।
और ये इन्हें क्रिएट किया गया है रूल करने के लिए इस धरती पर। उनके लंबे लंबे गोल्डन बाल हैं जो कर्ली हैं, घुंघराले हैं, और उनके ब्रॉड शोल्डर्स पर, चौड़े कंधों पर आते हैं, और इस प्रकार का उनका ग्रैंडियर है। ग्रैंडियर का अर्थ भी क्या होता है? बड़ा और वैभवशाली। ईव के जो गोल्डन ट्रेसेस हैं, मतलब उसके बालों की बात की जा रही है, वो ऐसे लटक रहे हैं, हंग हैं, जैसे कि कोई गहरा वेल हो। VEIL का अर्थ होता है घूंघट, जैसे कोई घूंघट हो जो उसके स्लेंडर वेस्ट को टच करता है। वेस्ट यानी कमर और स्लेंडर यानी पतली। तो ये जो उसके बाल हैं ये उसकी पतली कमर को टच करते हैं। वेविंग इन सॉफ्ट रिंगलेट्स, जो वेव की तरह, लहरों की तरह हैं, और छोटे छोटे रिंग्स की तरह हैं, वेव्स की तरह हैं, लहरों की तरह हैं, जैसी कि वाइन के टेंड्रिल्स होते हैं। वाइन का अर्थ होता है बेल, जैसे अंगूरों की बेल होती है, उसे वाइन कहा जाता है। VINE, राइट। जो WINE होता है उसका मतलब होता है शराब, पर VINE का मतलब होता है बेल। और ये जो उसके बाल हैं ये ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो अपने आदमी के प्रति, मर्द के प्रति सबमिशन भाव रखती है, समर्पण भाव रखती है। शी यील्डेड बिफोर मैन, वो इंसान के सामने झुकती है, नतमस्तक होती है, और उसके अंदर एक मेडनली शाइनेस है, एक औरतों वाली शर्म है उसके अंदर, और एक मॉडरेट प्राइड है, एक हल्का सा गर्व है अपनी खूबसूरती पर, और डिस्प्ले करती है वो अटमोस्ट लव एंड मॉडेस्टी, प्यार दिखाती है, और मॉडेस्टी का अर्थ भी होता है समर्पण दिखाती है, बड़प्पन दिखाती है मॉडेस्टी। आगे हम देखते हैं कि वो अपने फेमिनाइन पार्ट्स को छुपा नहीं रही है, वो जो उसके अंग हैं शरीर के उनको छुपा नहीं रही है। उसके मन में कोई गिल्ट नहीं है, कोई शेम नहीं है, कोई शर्म नहीं है, क्योंकि वो एकदम प्योर है, वो एकदम शुद्ध है, राइट। यहाँ पे कोई झूठापन नहीं है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई फॉल्स शो नहीं है शुद्धता का, जो कि बाद में आगे जाके आने वाली एज में आ जाएगा लोगों में। इसीलिए एडम और ईव यहाँ पर एकदम नेकेड हैं, नग्न हैं, पर इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई शर्म का भाव है या कोई पाप का भाव है। ये तो ईश्वर के सामने हैं, और ये एंजल्स हैं, ये तो देवदूत हैं, और ये खुशी खुशी रहते हैं ईडन गार्डन में। यहाँ के फ्रूट्स को खाते हैं जो मीठे हैं, उनकी खुशबू लेते हैं, और यहाँ का शुद्ध पानी पीते हैं जो यहाँ के स्प्रिंग हैं। स्प्रिंग यानी झरने, जो यहाँ के स्प्रिंग हैं इनका पानी वो पीते हैं, और उनके आसपास खेलते हैं और फ्रिस्क यानी कूदते हैं सभी ब्रूटल मैन और एनिमल्स बिना किसी डर के। ये जानवर में लैम्ब्स भी हैं, मेमने भी हैं, किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, हेयर्स भी हैं, यानी जो बड़ा खरगोश होता है ना, खरहा, उसको बोलते हैं हेयर। टाइगर भी हैं, बेयर्स यानी भालू भी हैं, और लैपर्ड्स यानी तेंदुए भी हैं। ये सब अपनी मस्ती में यहाँ इनके सामने खेलते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, तारे आसमान में आ जाते हैं, और ये सारे लिविंग क्रिएचर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे चले जाते हैं सोने के लिए। तो सैटर्न बहुत ज़्यादा दुखी है, ग्रीव्ड है, वो देख रहा है कि ये जो इन्फीरियर बींग्स हैं, मतलब उससे कम हैं, जो इन्फीरियर और सुपीरियर होता है ना, सुपीरियर तो मतलब उससे बेहतर, और इन्फीरियर मतलब उससे कम क्वालिटी के जो लोग हैं, वो बड़ा हैप्पीली रह रहे हैं पैराडाइज में। तो वो खुद को रोक नहीं पा रहा है, ही कुड नॉट हेल्प। देखो, कैन नॉट हेल्प का एक मतलब तो होता है कि मैं मदद नहीं कर सकता, एक कैन नॉट हेल्प का ये मतलब भी होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता। कैन नॉट हेल्प के दो मतलब होते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता उन लोगों से प्यार करने में और उन लोगों की तारीफ करने में, बट फिर भी वो प्लान करता है कि वो उनको रुइन कर देगा, बर्बाद कर देगा, और उनकी डेथ लेकर आएगा। उनकी खुशी देखकर वो कहता है कि भगवान ने पूरी सावधानी नहीं बरती, पूरा प्रिकॉशन नहीं लिया, इनको अच्छे से गार्ड नहीं किया, इनकी रक्षा नहीं करी, इनकी हैप्पीनेस को सिक्योर नहीं किया, मेरे जैसे दुश्मन के होते हुए भी। मैं इतना शक्तिशाली दुश्मन हूँ, पर भगवान ने इनका ध्यान नहीं रखा। जल्दी ही मैं कुछ मिसचीफ करूँगा, मिसचीफ यानी शैतानी, और इन लोगों की हैप्पीनेस को ख़त्म कर दूँगा।
और ये लोग जो इनहैबिट करते हैं, मतलब जो रहते हैं इस जगह पर, वो मैं सब इनसे छीन लूंगा और गॉड की स्कीम को फेल कर दूंगा। तो इस तरह सैटर्न रिजॉल्व करता है, संकल्प लेता है अनविलिंगली, वो चाहता तो नहीं है पर वो ऐसा संकल्प करता है कि अब मैं ट्रैप करूंगा, फंसाऊंगा एडम और ईव को अपने प्लॉट में। प्लॉट का कई अर्थ होते हैं, एक तो प्लॉट वो ज़मीन होती है जिसपे हम घर बनाते हैं, एक प्लॉट का अर्थ होता है षड्यंत्र करना, किसी के खिलाफ साजिश करना। ओके, इस पर्पज़ के लिए वो एक शेप लेता है अलग अलग क्रिएचर्स की, ताकि वो एडम और ईव के पास में जा सके। सैटर्न काफ़ी पास पहुंच जाता है एडम और ईव के, और इतना पास पहुंच जाता है कि वो उनको सुन सकता है आपस में प्यार की बातें करते हुए। एडम पुकारता है ईव को, क्योंकि वही उसकी एक सिंगल पार्टनर है जो उसे सारे जॉय देती है, सारे खुशियां देती है, वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा डियर है, वो उसे इतना प्यार करता है। और वो ईश्वर को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो आप ही हो, ही मतलब वो तुम हो जिसने इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया, जिसने इस होली पैराडाइज को, इस पवित्र स्वर्ग को बनाया, और जिसने मेरे लिए इतनी सुंदर ईव को बनाया जो कितनी गुड है, अच्छी है और कितनी बेनेवलेंट है। बेनेवलेंट का अर्थ होता है सज्जन, अच्छी। और वो आगे कहता है कि हम तो आपको, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें इतने सारे बूंस दिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए, और हम हमेशा आपकी प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, और हम हमेशा आपके कमांड को ओबे करेंगे, हमेशा आपके आदेश मानेंगे। ईश्वर ने हमें पूरी फ्रीडम दी है, पूरी आज़ादी दी है कि हम जैसे चाहें वैसे अपने आप को इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है, सिर्फ एक चीज़ के लिए मना किया है कि हमें कभी भी ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट टेस्ट नहीं करना है। ईव पूरी तरह एग्री करती है एडम से और वो कहती है, मैं कभी भी ईश्वर की विशेस के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। शी वॉज द फ्लैश ऑफ हिज फ्लैश। फ्लैश का अर्थ होता है मास। वो कहती है, आखिर मैं ईश्वर के मास का ही तो टुकड़ा हूँ, जैसे ईश्वर है वैसे ही मैं भी उसी का ही टुकड़ा हूँ, और मेरी जो आत्मा है वो उसी की तो आत्मा है, तो वही मेरा गाइड है, वही मेरा मास्टर है। वो भी डबली थैंकफुल है, मतलब दुगनी रूप से थैंकफुल है। एक तो ईश्वर ने ये पैराडाइज वर्ल्ड बनाया हमारे लिए, और साथ ही में मुझे एडम को दिया, मुझे इतना सुंदर पार्टनर मिला। और वो लॉन्गिंग करती है। लॉन्ग का एक अर्थ तो होता है लंबा, और एक लॉन्ग का अर्थ होता है इच्छा। फिर वो याद करती है उस दिन को, वो पहला दिन जब वो जागी थी और ये ज़िंदगी उसे मिली थी। ये एक सपने से जागने जैसा था। वो जब जागी थी तो उसने अपने आप को पाया कि वो एक फूलों के बिस्तर पर रेस्ट कर रही है, एक कूल ग्रोव के नीचे। ग्रोव यानी पेड़ों का झुंड। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है और यहाँ क्यों है, क्यों आई है। वो उठी अपने फ्लावरी बेड से और वो इधर उधर वॉन्डर कर रही थी। वॉन्डर यानी इधर उधर घूमना, Here and there। तभी उसने अपनी इमेज देखी, अपनी परछाई देखी एक क्लियर लेक में, एक झील के अंदर पानी की। वो इतनी खुश हुई, इतनी प्लीज्ड हुई उस इमेज को देखकर, और वो तो ये भी नहीं जानती थी कि ये वो खुद है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था पानी होता क्या है। तभी एक काइंड एंजल आया, एक देवदूत आया और उसे एडम तक लेकर गया। जैसे ही एडम ने उसे देखा, उसने उसे प्यार से पास में बुलाया और उसने कहा कि तुम ही मेरा दिल हो और मेरी आत्मा हो। उसके शब्दों ने उसे इतना अट्रैक्ट किया कि उसने अपने आप को उसे सरेंडर कर दिया और वो उसके आर्म्स में चली गई, उसके बाहों में चली गई। अब एडम ने उसे प्यार से थामा और उसके दिल को छुआ और उसे किस किया। एबंडेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। जैसे कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, ऐसे एबंडेंस का मतलब होता है अधिक। ये देखने के बाद सैटर्न ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और वो जेलसी से भर गया, वो ईर्ष्या से भर गया और मैलिग्निटी से भर गया, मतलब बुराई से भर गया। मैलिग्निटी का मतलब होता है बुराई। और उसने खुद से कहा कि मैं आसानी से परसुएड कर लूँगा। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को कोई काम करने के लिए मनाने को परसुएड बोलते हैं।
ताकि ये लोग जो ईश्वर ने एकमात्र सोल इनको कमांड दिया है ये लोग उसको वायलेट कर दें। वायलेट का अर्थ होता है नियम की उल्लंघन करना। और मैं इन्हें फ्रूट खिलवा दूंगा ट्री ऑफ नॉलेज का, और इसी से पूरी इंसान की जो प्रजाति है, ह्यूमन रेस है, सबका अंत हो जाएगा, सबकी डेथ हो जाएगी। इसी बीच यूरियल जो कि सैटर्न को देख रहा था वो पास में आता है गैब्रियल के। गैब्रियल ही गार्जियन एंजल है, रक्षक है यहाँ का, और उसको सावधान करता है, कॉशन करता है कि देखो सैटर्न आ रहा है। गैब्रियल प्रॉमिस करता है यूरियल से कि मैं उस इविल स्पिरिट को अगले दिन से पहले पहले ढूंढ लूंगा। अब रात आ जाती है, ईव तैयारी कर रही है अपने पहले नपचियल बेड की। नपचियल का मतलब होता है शादी, तो बेसिकली यहाँ पे सुहागरात की बात हो रही है, फर्स्ट नपचियल बेड की। और वो वहाँ पे सॉफ्टेस्ट फ्लावर्स लगा रही है, बहुत ही प्लीजेंट इवनिंग है, बहुत ही सुहावनी शाम है। एडम और ईव एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पूरे दिन जो उन्होंने गार्डन को इंजॉय किया है, अब उसके बाद वो एक दूसरे के पास में आए हैं। सारे एनिमल्स जो हैं वो आइडली, IDLE, आइडल का मतलब होता है बिना कोई काम किए पड़े रहना, तो यहाँ पे आलस की बात हो रही है। ये जो बाकी के एनिमल्स हैं वो आइडली यहाँ पे वॉन्डर कर रहे हैं, बिना कोई काम किए इधर उधर घूम रहे हैं, और जो ऑनेस्ट लेबर है, असली मेहनत करना, मेहनत से ही हमें जॉय मिलता है और डेडिकेशन मिलता है लाइफ के प्रति, समर्पण मिलता है। तो अब एडम और ईव एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ उन्होंने लिया हुआ है, और वो एक प्लेजेंट ग्रोव, ग्रोव का मतलब मैंने आपको बताया पेड़ों का झुंड, उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, उसके नीचे वो रिटायर हुए हैं, रिटायर मतलब रेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से वो ईश्वर को थैंक्स कहते हैं, जो भी बूंस आशीर्वाद उन्होंने दिए हैं उनके ऊपर बिस्टो किए हैं। BESTOW, बिस्टो का मतलब होता है आशीर्वाद प्रदान करना। ये एक ऐसी वर्ब है जिसका अर्थ होता है आशीर्वाद देना। अक्सर जब हम लोग इंग्लिश में किसी को इनविटेशन देते हैं शादी का या ऐसा, तो उसमें एक लाइन ज़रूर आती है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माय इनविटेशन एंड बिस्टो योर ब्लेसिंग्स ऑन द कपल, कि आप अपने ब्लेसिंग्स बिस्टो करें। बिस्टो मतलब देना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें कितनी सारी चीज़ें बिस्टो करी हैं, इसलिए हमारा पूरा डेडिकेशन है उसके प्रति, समर्पण है हमारे मेकर, हमें बनाने वाले के प्रति, और हम ग्रेटफुल हैं, हम आभारी हैं उसके। और वो सो जाते हैं उस ब्यूटीफुल फ्लावरी बेड पर। जैसे ही वो सोते हैं तो जो नाइटिंगेल्स चिड़ियाँ हैं वो गाना गाने लगती हैं और उनके ऊपर फूलों को शावर करने लगती हैं, जिसमें पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ। गैब्रियल जो पहले ही वार्निंग उसको मिल चुकी थी कि सैटर्न आ रहा है, वो अपने जो एंजल फोर्सेस हैं, जो देवदूतों की सेना है, उनको कई अलग अलग पार्टीज में डिवाइड कर देता है। एक रफ स्किन वाला फ्रॉग जैसा एनिमल पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाता है, मतलब वो लोग अपना रूप बदल लेते हैं। इथुरियल और जेफोन, उनको भेजा जाता है सर्च के लिए गार्डन में। अचानक उन्हें सैटर्न दिख जाता है, और सैटर्न ने रफ स्किन का फ्रॉग की शेप ले रखी होती है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, उसने ये कहा है अपनी पूरी सेना को कि तुम्हें एक रफ स्किन का फ्रॉग जैसा एनिमल दिखेगा। जो ईव के कान के बिल्कुल पास में बैठा हुआ होता है, ईव के कान के बिल्कुल पास बैठा होता है वो, और वो उसके दिमाग में, उसके कान से कई झूठे सपने, फॉर्जिंग ड्रीम्स, और कई फॉल्स बिलीफ उसके कान में डाल रहा होता है, और कई तरह की इमेजिनेशन डाल रहा होता है जब ईव सो रही है तब, और ये उसे बिगाइल कर रहा है। बिगाइल का मतलब होता है अपने मार्ग से भटकाना। इथुरियल उसको टच करता है अपने स्पीयर के पॉइंट से, स्पीयर होता है भाला। अचानक से सैटर्न उछलता है और अपनी असली शेप में आ जाता है। जेफोन और इथुरियल उसको रेप्रीमेंड करते हैं। रेप्रीमेंड का मतलब होता है फटकारना, कि तुम क्यों वॉयलेट कर रहे हो इस पैराडाइज की सेंक्टिटी को, यानी पवित्रता को, और वो उसे चैलेंज करते हैं लड़ने के लिए। बट सैटर्न डिक्लाइन कर देता है, मना कर देता है लड़ने से, और उन्हें कहता है कि तुम मुझे अपने लीडर के पास ले जाओ, क्योंकि तुम जैसे इन्फीरियर एंजल, तुच्छ एंजल के साथ मैं लड़ना नहीं चाहता। तुम
हमने देखा कि बेइज्जती कर दी उन्हें एंजल्स की। तो अब आगे देखते हैं हम लोग स्टोरी में क्या होता है। सैटर्न को फिर पेश किया जाता है गैब्रियल के सामने, जो उससे पूछता है कि तू हेल से क्यों भाग के निकला बाहर। सैटर्न बड़ा ऑफेंसिवली उसको जवाब देता है कि कोई इस पोजीशन में है मेरे अलावा जो ऐसा कर सके, और कौन नहीं भागना चाहेगा एक ऐसी जगह से जहां पे इतना पेन है, इतना मेंटल और फिजिकल पेन है। इथुरियल वापस उससे घृणा के साथ, कंटेम्प्ट के साथ पूछता है कि तू अकेला क्यों आया, तो अपने कंपियर्स को क्यों लाया, क्यों नहीं लाया। पीयर का वर्ड हम पहले ही मतलब पढ़ चुके हैं, PER, पीयर मतलब साथी, सेम एज और स्टेटस वाले लोग। कंपियर का भी वही मतलब होता है। क्या तुझे उन लोगों से ज्यादा पेन हो रहा है, या तू कम बहादुर है उनसे। हार्डी एक वर्ड होता है, HARDY, यानी बहादुर। फ्राउनिंग स्टर्नली द डेविड रिप्लाइड। फ्राउन करने का मतलब होता है जो अपनी आंखों की बोहें होती है उनको ऊपर चढ़ाना, यानी ऐसा फेस बनाना जिसमें हम फ्राउन कर रहे हैं। और स्टर्नली का मतलब भी होता है सख्ती के साथ। डेविल कहता है, मतलब मुंह बना के डेविल कहता है कि इससे बिल्कुल उल्टी बात है, मैं एक ट्रू लीडर हूं और ये मेरी ड्यूटी है कि जो हजार्डस जर्नी है, जो ये खतरनाक जर्नी है, वो मैं एक बार अकेला पूरा करूं। इसलिए किसी और स्पिरिट को मैंने ये डिफिकल्ट काम नहीं सौंपा कि वो केओस से आगे निकलें और इस नई दुनिया में आएं। इथुरियल फिर और इन्फुरिएट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और सैटर्न को कहता है कि तू अभी के अभी उड़ जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे कैप्टिव बना लूँगा, कैदी बना लूँगा और हमेशा के लिए चेन्स में रखूँगा। सैटर्न वायलेंटली, हिंसात्मक रूप से कहता है, चिल्लाता है, रिटॉर्ट करता है और खड़ा हो जाता है उसके आगे जैसे कोई बड़ा सा पहाड़ हो, और चैलेंज करता है गैब्रियल को लड़ने के लिए। सैटर्न और गैब्रियल का एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो हमला करें, गॉड बीच में इंटरवीन कर देते हैं, मतलब उस युद्ध को रोक देते हैं। भगवान नहीं चाहते कि एक और बैटल हो, एक और युद्ध हो, क्योंकि इस पुरानी बैटल से ही पूरी दुनिया हिल गई। तो वो गॉड उनके सामने गोल्डन स्केल्स ले आते हैं, एक तराजू आ जाता है जिसका एक पैन होता है जो बहुत हल्का होता है, वो उड़ता है, और दूसरा बहुत ही भारी होता है इसलिए वो नीचे रहता है। ये एक सिंबॉलिकल वार्निंग थी, एक प्रतीकात्मक चेतावनी थी सैटर्न को कि तू मेरे सामने शक्ति में कितना हल्का है, और तुझसे तो इथुरियल कितना शक्तिशाली है। इविल हमेशा ही गुडनेस से वीक होता है, जो बुराई होती है वो अच्छाई से हमेशा कमज़ोर होती है। सैटर्न जब इस स्केल को देखता है तो वो समझ जाता है इसका क्या मीनिंग है, और वो वहाँ से उड़ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 कंप्लीट हो गया है। जॉन मिल्टन की बहुत ही शानदार रचना है। इसे आप, इस ऑडियो लेक्चर को आप 2-3 बार सुने तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।